इंदौर में राव विधानसभा क्षेत्र के बिचोली हापसी में मेन रोड पर बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं यहां किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी का ध्यान नहीं होने के कारण बीजेपी के नेता गुड्डू पटेल ने अपने समर्थकों के साथ एक ट्रैक्टर मुर्रम डालकर गड्ढे भरे। बिचोली हापसी में वाहन चालकों और राहगीरों के लिए सड़कों के गड्ढे हादसे का कारण बन रहे हैं। बारिश का पानी इन गड्ढों में भरा होने के कारण वाहन चालकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसे लेकर बीजेपी नेता गुड्डू पटेल ने मुरम डालकर गड्ढे भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि गड्ढों के कारण लोग परेशान हैं और क्षेत्र विधायक जीतू पटवारी का इस ओर ध्यान नहीं है। क्या है ना, कांग्रेस और बीजेपी का हमारा उद्देश्य एक मानवता के नाते हम काम कर रहे हैं। बाईपास से जो बंगाली चौराहे के लिए जो सड़क गई है, अभी बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पूरी रोड खुद चुकी है। तो इसमें ना कांग्रेस ना बीजेपी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ गड्ढे इसलिए भर रहे हैं कि आदमी हर आदमी इसके ऊपर निकलता है, तो किसी को कोई दुर्घटना नहीं हो, किसी को लग नहीं जाए। अब वो बीजेपी कांग्रेस की सरकार दोनों जगह है, वो अपने अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, पर मानवता के नाते हम तो हमारा कुछ फर्ज कर काम कर सकते हैं। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि इंदौर में जहाँ भी गड्ढे हैं, हर आदमी से कहना चाहूँगा मैं कि वो समाज में जो भी काम देख रहे या कर रहे हैं कि सभी घर से बाहर निकले और इस तरह की मुहिम सभी लोग चलाए। नहीं, क्षेत्रीय विधायक तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो बाहर घूम रहे, इंग्लैंड गए हुए अभी। वो पहले जब काम बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी को इल्ज़ाम लगाया करते थे, अब तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे वो। ये तो उनकी विधानसभा, उनको ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को फ़ोन लगाना चाहिए उनको।